हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आज इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ Redmi Note 5 Pro का अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशन बताने के लिए। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर से जरूर दबाएँ ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए ये मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास जो फ़ोन है वो है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ और ये गोल्ड कलर का है। इसका दूसरा वेरिएंट भी आता है, वो 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ रहता है। इसका आपको 4 कलर मिल जाएगा, रोज रेड हुआ, गोल्ड हुआ, ब्लैक हुआ और नेवी ब्लू। ओके, तो चलिए दोस्तों इस बॉक्स को ओपन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बॉक्स ओपन करने के बाद नीचे एक और बॉक्स मिला है जो कि बहुत स्लिम है। इसे मैं ओपन करके देखता हूँ। इसमें देखिए केस है, तो मेरे फ़ोन का केस ऊपर में था। ये देखिए, ये जेली टाइप का पूरा। स्वामी को ये कवर नहीं देके हेडफोन देना चाहिए था, इससे बहुत फ़ायदा होता है हम लोग को। तो कोई बात नहीं, अभी जो मिला है उससे ही संतुष्टि करना पड़ेगा। तो ये मैं केस साइड करता हूँ। यहाँ पे देखिए यूज़र गाइड और मैनुअल कुछ है, तो इसे भी मैं अभी साइड करता हूँ। ओके, तो यहाँ है मेरा रेडमी नोट 5 प्रो फ़ोन। तो इसे मैं देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये फ़ोन बहुत ही प्रीटी लुक बनाया है, चारों तरफ डिस्प्ले गोल गोल। तो इसे मैं ऑन कर दिया, तब तक ये मैं सेटिंग कर देता हूँ। तब तक मैं दिखाता हूँ आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये है एक केबल, USB केबल, जो कि छोटा है, Redmi Note 4 की तरफ बड़ा केबल नहीं मिला है मुझे। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, चार्जर जो मिला है मुझे वो स्लो चार्जर ही है, 5.2 वोल्ट का। हालांकि हमारा फ़ोन क्विक चार्ज सपोर्टेड है लेकिन क्विक चार्जर मिला नहीं है मुझे। और ये पहले से भी लुक चेंज कर चुका है। Redmi Note 4 में पहले मुझे अलग टाइप का चार्जर मिला था, ये देखने में भी अच्छा है। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक सिम रिजेक्टेड टूल मिला है जिससे मैं सिम ट्रे ओपन कर सकता हूँ। ये भी पहले पुराना Redmi Note 4 में जो मिला था उससे अलग है, तो ये भी बहुत मस्त है दिखने में। तो चलिए दोस्तों, ये फ़ोन का अब स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। सबसे पहले प्रोसेसर का बात करें तो स्नैपड्रैगन 636 के साथ ये मिला है Redmi Note 5 Pro में, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये आप फ़ोन देख रहे हैं कितना ग्लेसी है, तो इसमें पीछे भी एक स्टिकर MI का, इसे भी हटा देता हूँ। ये फ़ोन देखिए, नीचे में MI का लोगो है इस बार और एक स्टिकर लगा हुआ है। तो इधर है कैमरा, पीछे है सेंसर। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। ये है हमारा सेल्फी 20 मेगापिक्सल का कैमरा। ओके, ये है एयर स्पीकर, ये है आपको सेंसर मिल जाता है और ये है LED फ्लैश। और ये डिस्प्ले देख रहे हैं 6 इंच का है, फुल कर्व डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे, ये नीचे पैनल में कोई भी मुझे स्विच नहीं मिला है, बैक होम या फिर रिसेंट ऐप्स खोलने के लिए जो मेनू होता था, कोई ऐप्स नहीं है। ये देखिए, लॉक खोलने के बाद आपको तीनों ऊपर में मिल जाएगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले में मिल जाएगा। ओके, तो नीचे दे देने से ज़्यादा बेटर रहता। तो यहाँ देखिए डुअल कैमरा है, एक है 12 मेगापिक्सल और एक 5 मेगापिक्सल के साथ, और डुअल LED फ्लैश है इसमें। ओके, और ये है हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर जिससे लॉक हो सकता हूँ, और ये है हमारा प्लास्टिक बॉडी है पीछे। तो नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये है हमारा रिंगर जिससे स्पीकर गाना बजता है, और ये है चार्ज देने के लिए पिन, ये है माइक हमारा, और ये 3.5 mm हेडफोन जैक। तो इस तरफ आपको फ़ोन की राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा एक पावर स्विच और वॉल्यूम अप डाउन स्विच। ऊपर आपको एयर ब्लास्टर मिल जाएगा TV रिमोट कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे देखिए एक सिम स्लॉट है, और सिम स्लॉट में आपको क्या मिला है ये मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो नैनो सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड, एक नैनो सिम लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली बात है, स्वामी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बैटरी मिल जाएगा अंदर में, वो है 4000 mAh का, जो कि फ़ोन के लिए काफ़ी अच्छा है 4000 mAh के लिए। ठीक है, तो अब हम बता देते हैं आपको ये फ़ोन कौन से एंड्रॉयड के साथ मिल रहा है, नॉगेट या फिर ऑडियो दिया है इसमें। ये देखिए नॉगेट है। ओके, ये MIUI 9 के साथ है। तो अभी तक MIUI 10 इसमें अपडेट नहीं दिया है, तो अभी अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा ये फ़ोन ऑडियो होंगे या फिर MIUI 10 होंगे। तो दोस्तों, कैमरा की बात करें तो कैमरा इसका बहुत ही अच्छा है, क्लियरिटी है। तो इस कैमरा के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप वहां पे कैमरा का टेस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारा चीज़ था हमारे Redmi Note 5 Pro के साथ। तो
तो दोस्तों अब हम इसका बात करते हैं केस के। तो देखिए ये केस लगा के मैं देखता हूँ स्वामी ने ठीक केस दिया है, कैमरा उमरा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये देखिए ये मैं लगा दिया। अब कैमरा की इधर आप देख सक रहे हैं थोड़ा ऊँचा है, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। इससे आप फ़ोन को उल्टा रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये केस चलेगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।